वितर की नमाज राजे कौल के मुताबिक न फर्द है और ना ही वाजिब है, बल्कि ये सुन्नत है। और जो अहादीस इस सिलसिले में हैं जिनमें वजूबियत की तरफ इशारा है, तो वहाँ पे हक से मुराद फर्द वाजिब नहीं है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अराबी आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है कि अल्लाह तआला ने मेरे ऊपर कितनी नमाजें फ़र्द की हैं, इस्लाम के ताल्लुक से पूछता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए खम्स सलावातिन फिल यौमि वल लैल, दिनों रात में पाँच नमाजें अल्लाह तआला ने फ़र्द की। उसने पूछा हल अलैय गैरुहुन, कि क्या मेरे ऊपर इन पाँच नमाजों के अलावा कुछ और नमाजें भी वाजिब हैं? तो आपने फरमाया कि ला इल्ला अंत तवा, कि इन पांच नमाजों के अलावा कोई नमाज फर्द नहीं है, इल्ला ये कि तुम नफले नमाज। फिर मजीद ये कि अल्लाह तबारक तआला के पास जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, तो अल्लाह तबारक तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पांच वक्त की नमाज फर्द की। और उसमें क्या फरमाया, अल्लाह तआला ने बाद में फरमाया कि मेरे यहाँ कौल को तब्दील नहीं किया जाता, बात नहीं बदली जाती है, मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती है। तो जो बात अल्लाह तआला ने कह दी, अब उसको बात तब्दील नहीं हो सकती है। तो अल्लाह तआला ने पांच वक्त नमाजें फर्द की है, वो नमाजें फर्द हैं। और जो वितर है, वितर की अहमियत अपनी जगह पे है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर और हदर दोनों हालतों में वितर को और फजर की दो सुन्नतों को नहीं छोड़ते थे, चाहे आप सफर की हालत में हो या क़याम की हालत में हो, दोनों सूरतों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इहतमाम करते थे।